साथियों नमस्कार, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया। यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु ने भी शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया और अपने वर्गीकरण का आधार बनाया सरकारी निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या को। इनके वर्गीकरण की आलोचनाएं भी हुई, लेकिन 19वीं शताब्दी तक इस प्रकार का सुसंगत वर्गीकरण किसी के द्वारा नहीं किया गया। 20वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया और वर्गीकरण की एक प्रतियोगिता से प्रारंभ हो गई। आज के इस वीडियो में हम लोग शासन व्यवस्था के प्रमुख वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत इन वर्गीकरणों का उद्देश्य क्या था, इनकी उपयोगिता क्या है, शासन व्यवस्थाओं के वर्गीकरण का आधार किसको बनाया गया, इनमें क्या कठिनाइयां आई और इनका जो अच्छे वर्गीकरण है उनके लक्षण क्या थे, इन विषयों पर लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शासन व्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया गया उसका उद्देश्य क्या था, उसकी उपयोगिता क्या थी। शासन व्यवस्थाओं के वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य अगर देखा जाए तो सरकार की वास्तविक प्रकृति को समझना है। सरकार की वास्तविक प्रकृति को समझना इसलिए आवश्यक होता है कि विभिन्न सरकारों की जो समानताएं हैं और उनकी जो असमानताएं हैं उनको समझ करके ही हम ये समझ सकते हैं कि कौन सी सरकार किस देश में किस परिस्थिति में श्रेष्ठ हो सकती है। तो इन वर्गीकरण का उद्देश्य पहला अगर देखें तो सरकार की वास्तविक प्रकृति को समझना। दूसरा उद्देश्य जो है वो विचार प्रतिमानों की श्रेष्ठता की पुष्टि करना। देखिए, वर्तमान युग जो है वो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी विचारधाराओं का युग है और किसी भी विचार दर्शन के आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि कौन सी शासन व्यवस्था सर्वोत्तम है। तो ये विचार दर्शन के आधार पर अगर हम देखें तो विचार प्रतिमानों की पुष्टि शासन व्यवस्थाओं के वर्गीकरण के द्वारा ही संभव है। तीसरा उद्देश्य अगर देखें इसका तो राजनीतिक अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना। जब तक किसी विषय का अध्ययन वैज्ञानिक नहीं होगा तब तक हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण करके हम राजनीतिक जो अध्ययन है उनको वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करते हैं और तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग को संभव बनाना। अर्थात जो तुलनात्मकता की स्थिति तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो एक नजर में हम ये कह सकते हैं कि शासन व्यवस्थाओं के वर्गीकरण का उद्देश्य जो है वो सरकार की वास्तविक प्रकृति को समझना, विचार प्रतिमानों की पुष्टि करना कि कौन सा श्रेष्ठ है, राजनीतिक अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना और साथ साथ तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग को संभव बनाना। अब हम देखेंगे कि जो भी शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण है विभिन्न विद्वानों ने क्या आधार बनाया उसका, तो आइए देखते हैं कि इनका आधार क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि शासन व्यवस्थाओं या सरकार के वर्गीकरण के आधार क्या थे। जिस प्रकार हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु ने जो अपने शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया उसमें उस वर्गीकरण का आधार बनाया सरकारी निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या को। इसी प्रकार विभिन्न विद्वानों ने अपने वर्गीकरण का अलग अलग आधार बनाया। जिन विद्वानों ने वर्गीकरण का आधार संविधान को बनाया उनका यह मानना था कि अगर लचीला संविधान होगा तो वहां की व्यवस्थापिका मजबूत होगी और अगर लचीला संविधान नहीं होगा तो व्यवस्थापिका के अधिकार कम होंगे। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के जो परस्पर संबंध है उनके आधार पर अगर वर्गीकरण किया गया तो उनका यह मानना था कि जहां पर कार्यपालिका मजबूत होती है, व्यवस्थापिका से उच्चतर स्थिति में होती है, वहां पर अध्यक्षात्मक शासन, और जहां पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका से उच्चतर स्थिति में होती है वहां पर संसदीय शासन। तो जिन लोगों ने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया उन्होंने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों उनकी उच्चतर स्थिति के आधार पर शासन व्यवस्थाओं को का निष्कर्ष निकाला। इसी प्रकार कह सकते हैं कि जो प्रभुत्व शक्ति का जो प्रयोग करने वाली व्यक्तियों की संख्या जो है उसका भी कुछ लोगों ने आधार बनाया और उन्होंने ये कहा कि प्रभुत्व शक्ति अगर एक व्यक्ति में है तो वहां पर राजतंत्र, अगर वो शक्ति कुछ श्रेणी में है तो वहां पर श्रेणी तंत्र, और अगर प्रभुत्व शक्ति बहुत संख्या के स्थान पर है तो वहां पर लोकतंत्र। तो जिन विद्वानों ने प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग करने वाली संख्या को आधार बनाया उन्होंने अपने वर्गीकरण को एक व्यक्ति, श्रेणी तंत्र और प्रजातंत्र में प्रभाषित किया। शासन शक्ति के केंद्रीकरण अथवा विभाजन का आधार, कुछ विद्वानों ने शासन शक्ति के केंद्रीकरण और विभाजन को अपना आधार बनाया। उनका यह मानना था कि अगर शासन शक्ति केंद्रित है तो वहां पर एकात्मक शासन, और अगर शासन शक्ति विभाजित है, विकेंद्रीकरण है, तो वहां पर संघात्मक शासन। इस प्रकार से ये आधार का जो रूप था। कुछ विद्वानों ने विचारधारा का आधार बनाया वर्गीकरण में और उनका यह मानना था कि
कि कुछ व्यक्ति किसी राज्य में कुछ व्यक्ति किसी एक व्यवस्था विचारधारा को, कोई कुछ व्यक्ति किसी दूसरी विचारधारा को मानते हैं। इन विचारधाराओं के आधार पर भी शासन का वर्गीकरण किया गया और तभी पूंजीवाद और साम्यवाद आदि के बारे में चर्चा की गई। इन विद्वानों ने शासन के वर्गीकरण में राजनीतिक व्यवस्थाओं को आधार बनाया। उनका ये मानना था कि जो सरकार के विभिन्न अंग हैं परस्पर, अगर किसी एक अंग में कोई परिवर्तन होता है तो उसका असर दूसरे अंग पर भी पड़ता है, तो जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया गया। संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं का आधार, इस आधार को मानने वाले विचारकों का मत था कि जो औपचारिक या कानूनी संवैधानिक आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाएगा तो वो उतना सटीक नहीं होगा, बल्कि जो वास्तविक व्यवहार के द्वारा हम किसी व्यवस्था का सही चित्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक विद्वानों ने, किसी ने संविधान का आधार बनाया, किसी विद्वान ने कार्यपालिका व्यवस्थापिका के परस्पर संबंधों को आधार बनाया, बहुत सारे विद्वानों ने प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करने वाली संख्या को आधार बनाया, कुछ लोगों ने शासन शक्ति को केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के आधार पर वर्गीकरण किया, विचारधाराओं का आधार बनाया और राजनीतिक व्यवस्थाओं का आधार बनाया गया, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं का आधार बनाया गया। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद कि जो शासन का वर्गीकरण है उसको करने में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आइए एक नजर डालते हैं शासन व्यवस्थाओं के वर्गीकरण की कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में। सरकारों के वर्गीकरण में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों और समस्याओं का सामना विद्वानों को करना पड़ा। सबसे पहले अगर हम देखें तो सरकार के सिद्धांत और व्यवहार के मध्य में अंतर, ये एक बहुत बड़ी कठिनाई थी जो शासन के सरकार के वर्गीकरण में सामने आई। मतलब ये था कि जैसे जो सिद्धांत और व्यवहार में, अगर वो विद्वानों ने सिद्धांत के रूप में सिद्धांत को आधार बनाकर के वर्गीकरण किया तो व्यवहारिक पक्ष की अनदेखी हो गई, और अगर व्यवहार को आधार बनाकर के उन्होंने वर्गीकरण किया तो सिद्धांत पक्ष की अनदेखी हो गई। जैसे ब्रिटेन में अगर हम देखें उदाहरण के लिए तो वहां पर सिद्धांतता राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में अगर देखा जाए तो वहां पर प्रजातंत्र है। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं सामने आई थी। दूसरी समस्या थी कि एक ही जैसी राजनीतिक संस्थाओं का एक जैसा कार्य नहीं, जैसे कि अगर मान ली कि विभिन्न देश हैं, अलग अलग राज्य हैं, वहां पर एक ही जैसी राजनीतिक संस्थाएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान ली कि भारत में प्रधानमंत्री का पद है, उसी प्रकार से और अन्य देशों में, श्रीलंका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री के पद है, लेकिन वहां पर एक जैसा कार्य नहीं है। इस प्रकार से अगर एक ही जैसी राजनीतिक संस्थाओं को लेकर वर्गीकरण किया गया तो वहां पर भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक ही पद या एक ही व्यवस्था जो है वो अलग अलग देशों में उसका अलग अलग कार्य था, अलग अलग उसका महत्व था। वर्गीकरण कार्य में वैज्ञानिक आधार की कमी, अर्थात विभिन्न विद्वानों ने वर्गीकरण का कार्य किया और उसमें फिर ये देखा गया कि बहुत सारे वर्गीकरण इस प्रकार के थे कि वहां पर वैज्ञानिक आधार की कमी थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक कि वैज्ञानिक आधार नहीं होगा तब तक कोई भी चीज, किसी प्रकार का वर्गीकरण सहित कोई भी चीज होगी वो उतनी सटीक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी। परिवर्तनशीलता मतलब यह कि तेजी से विश्व परिदृश्य में जो परिवर्तन हुए, कि जब भी वर्गीकरण किया गया उसके बाद परिवर्तन होने से वहां की पूरी व्यवस्थाएं बदल गई, तो वर्गीकरण के जो रिजल्ट थे, जो निष्कर्ष थे, उसमें अंतर आया। जानबूझकर वर्गीकरण को दूषित करना, अर्थात किसी वर्गीकरण में अपने निजी व्यक्तिगत व्यवहार के आधार पर उस वर्गीकरण के रिजल्ट को, उसके निष्कर्ष को बदल देना, यह भी एक कठिनाई थी। भिन्न नामों की संस्थाओं व अधिकारियों के एक जैसे काम, विभिन्न देशों में अलग अलग अधिकारियों के एक जैसे काम है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री, तो इस प्रकार से जो अधिकारी हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग जो नाम है लेकिन कार्य उनके एक हैं, तो इसके आधार पर भी वर्गीकरण में समस्याएं आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरकारों का या शासन व्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया गया उसमें जो सरकार के सिद्धांत व्यवहार में जो अंतर था, या एक जैसी राजनीतिक संस्थाओं का एक जैसा कार्य नहीं था, यह वर्गीकरण कार्य में वैज्ञानिक आधार की कमी रही, परिवर्तनशीलता, जानबूझ के वर्गीकरण को दूषित करना और भिन्न भिन्न नामों की संस्थाओं व अधिकारियों के एक जैसे कार्य, ये सब कुछ ऐसी समस्याएं थी जो सामने आई। लेकिन इसके बाद भी ये नहीं कहा जा सकता है कि वर्गीकरण नहीं किया गया, वर्गीकरण हुए और उनके अच्छे निष्कर्ष भी निकले, लेकिन ये कुछ समस्याएं सामने आई। अब हम लोग देखेंगे कि एक अच्छे वर्गीकरण के क्या लक्षण होते हैं। कि सबसे पहले जो वर्गीकरण का लक्षण है अच्छा, वो वैज्ञानिक आधार है, यानी एक अध्ययन वर्गीकरण जो हो वो सुव्यवस्थित ढंग से हो, वैज्ञानिक ढंग से हो। दूसरा है कि उसका उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए और सरल होना चाहिए, लेकिन सरलता के साथ साथ ये नहीं कि उसकी यथार्थता प्रभावित हो, बल्कि सरल होना चाहिए। वो जो वर्गीकरण है वो जड़ और गतिहीन ना हो, बल्कि गत्यात्मक व स्थायित्व होना चाहिए। नंबर 6, यथार्थ होना चाहिए और आखिर में परिमाणात्मक होना चाहिए, यानी उसको मापना संभव हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शासन व्यवस्थाओं के जो वर्गीकरण किए गए उनमें उनका उद्देश्य क्या है और उनके आधार क्या है,
उनमें कठिनाइयां क्या आई और अच्छे वर्गीकरण के लक्षण क्या है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में इसी को लिंक करते हुए हम लोग जो परंपरागत दृष्टिकोण वाले विचारक हैं उनके द्वारा जो शासन व्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया गया उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।